दिल्ली में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की मुहिम रंग ला रही है। गरीबों के लिए उनकी जन रसोई का एक महीना पूरा हो गया है। उन्होंने एक और रसोई खोलने का ऐलान किया है। इंडिया न्यूज ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। से पहले भी ये सवाल पूछा गया था कि जब हमने शुरू करी थी कि ये कितने लंबे समय तक चलाएंगे, या आप खुद आके देखेंगे कि हम कितने लंबे समय तक चलाएंगे, और कोई चीज़ अगर मैं शुरू करता हूँ तो उसको रोकने के लिए या बंद करने के लिए शुरू नहीं करता। और ना हम कोई झूठे वायदे करते हैं, ना मैंने अभी तक आपको ये बोला कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10, 15, 20 खोल देंगे। अगली रसोई हम जरूर खोलने जा रहे हैं। 11 तारीख को दीनदयाल उपाध्याय जी का जिस दिन जन्मदिन है मयूर विहार ज़िले में, और सोच सिर्फ एक ही है कि इज्जत से खाना खिलाया जाए, और वो खाना खिलाया जाए हम खुद जो खा सकें, और जो अगर भूखे पेट में खाना जाता है तो इससे बड़े सौभाग्य की कोई भी बात नहीं। एक महीने होंगे तकरीबन, कितने लोगों ने ये जनहार का लाभ उठाया? देखिए हफ्ते में 6 दिन चलती है और रोज़ यहाँ पर 600 लोग खाना खाते हैं, तो आप खुद अपने आप लगा लीजिए कि कितने लोगों ने यहाँ पर खाना खाया। प्लस जो मयूर विहार ज़िले में खुलेगी वहाँ पर रोज़ 450 लोग खाना खाएंगे, तो 1100-1100 लोग अगर रोज़ आप खाना खिला सकते हो तो उससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है? क्योंकि झूठे वायदे करने तो मेरे को आता नहीं, ना मैंने इसके लिए राजनीति में कदम रखा है। मैंने सिर्फ राजनीति में इसलिए कदम रखा है कि मैं सच बोल सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं, और यही हमारा लक्ष्य है।